हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेल इन अ सेल PPV के बारे में, जो कि होने वाला है समर स्लैम 2018 के बाद। और यहां पर द लुनाटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस का मैच कंफर्म हो चुका है और इस वीडियो में बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के हेल इन अ सेल के मैच के बारे में। तो देर इस बात की शुरू करते हैं। समर स्लैम 2018 PPV हमें हेल इन अ सेल PPV से पहले दिखाई देगा और यहाँ पर हमें एक बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने के लिए मिलने वाला और ये मैच होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के बीच। लेकिन इस बार हमें जो चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी वो यहाँ पर डीन एम्ब्रोस की वापसी है और डीन एम्ब्रोस हमें साथ देते हुए नजर आएंगे सेथ रॉलिंस का और उनके कॉर्नर में दिखाई देंगे जब वो रिंग साइड के दौरान इस मैच में हमें दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स का यह भी माना था कि यहाँ पर हमें डीन एम्ब्रोस का हिल्ट देखने के लिए मिल सकता है। जब सेथ रॉलिंस बन जाएंगे नवे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन तो उसके तुरंत बाद ही डीन एम्ब्रोस उन पर अटैक करेंगे, जिसके बाद हमें आने वाले टाइम में डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच बड़े मैचेस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जो हेल इन अ सेल PPV है वो समर स्लैम 2018 के बाद और यहाँ पर एक बड़ा मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है। जो मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकइंटायर के बीच और पॉसिबली ये मैच होने वाला है एक बड़ा टैग टीम मैच। और भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी स्टोरी लाइन के हिसाब से चल रही है, जिस तरह हमें देखने मिल रहा है डीन एम्ब्रोस ने एज अ फेस वापसी की है जब उन्होंने हेल्प किया सेथ रॉलिंस की, तो शायद हमें समर स्लैम के PPV में डीन एम्ब्रोस साथ देते हुए नजर आएंगे सेथ रॉलिंस का। और उसके बाद जब वो बन जाएंगे नवे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो आने वाले टाइम में हमें टैग टीम मैचेस देखने को मिलेंगे और सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस हमें आने वाले टाइम में एक साथ देखने के लिए मिलने वाले और हो सकता है पॉसिबली आने वाले टाइम में हमें द शील्ड का रीयूनियन एक और बार फिर से देखने को मिले। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से करते हैं आप इस वीडियो को लाइक। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या कहना है डीन एम्ब्रोस के हील टर्न ना होने के बारे में जो अब नहीं होगा समर स्लैम 2018 में। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।